विष्णुजा आप बोल लीजिए, विष्णु जी ठीक है, रागिनी जी आगे बढ़ते हैं, एक मिनट एक एक करके, विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी। अमन जी, आपने भी मेरी बहन रागिनी जी से बहुत बार एक सवाल पूछा कि परमिशन की जरूरत थी क्या, परमिशन की जरूरत थी क्या, और मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रागिनी जी पेशे से वकील भी है, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज आपके चैनल में बहुत अथॉरिटी से, ये बता दीजिए कौन सी धारा के अंदर, आज रागिनी जी आपके चैनल पे बताएं कि कौन सी धारा के अंदर परमिशन की जरूरत होती है प्रोसेशन ले जाने की, पहले बता दें। अगर देखिए बात समझिए इस बात के, इसमें इस कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सारे मीडिया चैनल से चला रहे, शुरू से गलत चला रहे, परमिशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप असेंबल हो रहे पीसफुली तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर परमिशन। आर्टिकल 19 भारत के संविधान का मुझे ये इजाजत देता है कि मैं कोई भी प्रोसेशन ले जा सकता हूँ। मुहर्रम पे जब ताजा निकलता है तो हर ताजे के लिए परमिशन लेनी ली जाती है क्या, या अगर कोई आदमी जुटता है या कोई प्रोसेशन निकालता है तो हर चीज लिए परमिशन ली जाती है क्या? परमिशन का मतलब ये होता है कि अगर पुलिस परमिशन देती है तो इन दैट केस पुलिस रूट तय करती है, इन दैट केस पुलिस आपको प्रोटेक्शन देती है। ये मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको बता दिया कि अगर परमिशन नहीं भी है तो उसका क्या उपाय होता है। और अब इस केस में परमिशन थी, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर परमिशन थी और मैं परमिशन में जा रहा था तो क्या आप पेट्रोल पंप मारेंगे, तो क्या आप मेरे पे ईटा पत्थर मारेंगे? और अमन जी ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का इंसिडेंट नहीं है, तमिलनाडु के परम्बलूर में यही घटना हुई, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद जाके हिंदू अपनी यात्रा निकाल पाया। 2011 में अखिलेश यादव की सरकार में उसके डीएम ने कहा था कि इस आबादी में यहाँ पे 95% मुस्लिम आबादी है, इसलिए यहाँ से हिंदू परमिशन में हिंदू आप भी लॉयर हैं, सुबुही भी लॉयर हैं, मैं एक मिनट सुबुही, लेकिन तीन की एक की परमिशन, ये तो दिल्ली पुलिस ने भी कहा परमिशन नहीं ली गई थी, ये तो फैक्ट है, परमिशन ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सुबुही सुबुही बोलेंगे, एक मिनट सुबुही बोलेंगे, वो ठीक है भाई परमिशन नहीं ली तो क्या पत्थर मारोगे, मतलब पुलिस 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 को भी परमिशन लेनी पड़ेगी, पुलिस पर भी पत्थर पड़ गया तो खैर चलिए आप बोलिए सुबुही। और ये सोनू चिटनिस सुबुही सुबुही आप बोलिए सुबुही सुबुही सुबुही। अमन अमन ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है हमारे देश में, आज हम जो ये डिबेट कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल डिबेट नहीं है। मैं कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी पर बात ही नहीं करना चाहती हूँ, उसको राजनीतिक मोड़ ना देकर हम ये सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे देश को जला रहे हैं, किसी के भी ऊपर ईंटें पत्थर और पेट्रोल बम उठा के फेंक देते हैं, और आखिर किसके कहने में आकर ये कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अमन भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती है, भीड़ अपने नेताओं की मानसिकता से चलती है। अगर ये सिर्फ भीड़ के कारण हो रहा है तो ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है, मुस्लिम्स भी वहां सबसे ज्यादा है, वहां क्यों नहीं हो रहा है? ये दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? ये दिल्ली में ही क्यों? क्योंकि वहां के लीडर ऐसे हैं अमन कि वो भीड़ तंत्र को अपनी चलाने नहीं देंगे। ये दिल्ली में क्यों हो रहा है? अभी जो अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सॉरी एक सवाल बनता है, एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही, 30 सेकंड में कंप्लीट करिए जी। अमन कुछ राजनीतिक दलों ने, विधर्मी राजनीतिक दलों ने अपनी सत्ता चलाने के लिए तुष्टीकरण का ऐसा एक गंदा खेल चला रखा है कि वो एक विशेष संप्रदाय के, मुस्लिम संप्रदाय के साथ खून माफ करते हैं कि कुछ भी करते रहो हमें वोट देते रहो, और अब ये लोग इनके भी हाथ से बाहर निकल गए हैं। रागिनी जी यहाँ पर बैठकर अभी दूसरों पर उंगली उठाने की कोशिश कर रही थी, इनको मानना पड़ेगा कि इनकी सरकार हमेशा से मुस्लिम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सवाल बनता है बार बार वो गलती निकालना, इन्होंने परमिशन ले ली, इन्होंने उकसा दिया, इन्होंने भड़का दिया, पीड़ित पक्ष कौन है, मतलब दंगाइयों ने मारा है या हिंदुओं ने मार खाई, ये तो क्लियर है ना।